हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नाजियाज़ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी ब्राइडल किट, और आप इसको अगर आप मेकअप बिगनर हो और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ये सारे प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हो। मुझे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, मेरी स्किन ऐसी है, मेरी स्किन वैसी है, तो मैं आज सबके बारे में डिटेल बात करूँगी। तो मेरे पास दो किट है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक है लिपस्टिक, ज़्यादातर इसमें लिपस्टिक्स वगैरह है। चेन खुली है यहाँ से, तो ज़्यादातर लिपस्टिक पैलेट्स इसमें है, और कुछ पैलेट्स और लिपस्टिक फाउंडेशन सब इसमें है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी कि कौन सी क्या लेनी है आप लोगों को। और ब्राइडल्स के लिए तो खास तौर पे है, क्योंकि उन लोगों को नए सिरे से सब कुछ लेना पड़ता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं लाइन वाइज जाऊँगी कि जो सबसे पहली चीज़ अपने स्किन में लगाते हो, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं थोड़ा स्किन केयर भी इंक्लूड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजेना को ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। 100% रिकमेंड करती हूँ। SPF 15 भी है, तो यू कैन गो फॉर दिस। आपको मैं पास से बता देती हूँ। और न्यूट्रोजेना बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, मैं आप लोग को यहाँ पर भी बता दे रही हूँ। तो ये अराउंड 400 या समथिंग का आता है आफ्टर डिस्काउंट। SPF है, मॉइस्चराइज भी करता है, ग्लो भी देता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर समर्स एज वेल। और जबकि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, तो ये ऑयली स्किन पीपल भी इसको और ड्राई स्किन पीपल दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको, तो आई विल रिकमेंड दिस। सो जो दूसरा स्टेप आता है हमारे मेकअप में, वो है प्राइमर। तो यहाँ पे मैं दो प्राइमर आप लोग को सजेस्ट करूँगी। एक है कलबा का, विच इज़ सिलिकॉन, बोथ आर सिलिकॉन बेस्ड, और बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन को एकदम स्मूथ करता है। तो ये दो रेंज है, तो इट्स अराउंड 350 रुपये का है। ये मुझे 550 या समथिंग का मिला था आफ्टर डिस्काउंट, 600 का, 599 का मिला था। और सच में मैं तो रिकमेंड ये करूँगी अगर आप इस पर जाना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छा है। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत सोचिए कि मैं एक कंपनी को बता रही हूँ, मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो आप ये दो में से कोई सा भी ले सकते हो। सो गाइस, अब बारी आती है फाउंडेशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके किट में, आपके मेकअप किट में। मैं आपको यहाँ पे तीन फाउंडेशन जो मेरे फेवरेट हैं और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप मेरे मेकअप वीडियोस में भी देख सकते हो, और एक जो नया डिस्कवर किया है जिसको बहुत पसंद आ रहा है मुझे, ये ओलिविया का पैन स्टिक। ये ओनली मुझे 135 रुपीज़ में पड़ा था। और गाइज, मैं नहीं आपको इससे अच्छा और इससे सस्ता कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ, वो भी फुल कवरेज। मैं आपको पैक रिकमेंड करूँगी। ये सेकेंड स्टेप है, मतलब ये 800 के करीब आप लोगों को पड़ेगा। ये मैं हर मेकअप वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि पैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन ऑफ माइन। सो ब्रांड भी अच्छा है, और यहाँ पे मैं और एक अच्छा, वैसे तो मैक भी है, लेकिन अगर आप मैक अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर मैक, हाँ बहुत अच्छा है। और अगर आप मैक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मतलब वो 2800 का फाउंडेशन है, तो पैक एंड शेम्बोर का भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। ये इनरिच रिवाइटलाइजिंग मेकअप है, और मेरा शेड है इसमें 300 वेनिला। हाँ, तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ड्यूई फाउंडेशन है। मुझे ये इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है, दोनों फाउंडेशन का। अगर आप थोड़ा बीच में जाना चाहते हो तो ओलिविया का भी अच्छा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन के बाद है, वो कंसीलिंग का है। तो आप, मैं सबसे अच्छा तो आपको मेबलिन का ही रिकमेंड कर सकती हूँ, मोस्ट फेवरेट, हाईली रिकमेंडेड। लेकिन ये कंसीलर फुल कवरेज है, बहुत अच्छा है, क्रीज भी नहीं करता। नेक्स्ट कंसीलर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो फिट मी का कंसीलर है फ्रॉम मेबलिन। और ये दोनों ही मेबलिन के कंसीलर्स बहुत ही हिट रहे हैं, और बहुत ही मेकअप आर्टिस्ट इसको अभी भी यूज़ करते हैं। और अगर आपको कंसीलर और फाउंडेशन दोनों एक में चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस, ये भी अच्छा है। बारी आती है हमारे जो फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने की। सो मेरा तो फेवरेट आप लोग देख ही चुके हैं, और ये फिट मी का है। ये 20 लाइट मीडियम है, लूज पाउडर है, बहुत अच्छा है, फाइनली मेल्टेड लूज पाउडर है, और ये मैक के लगभग आसपास खड़ा होता है, तो मुझे बहुत पसंद है। लिटरली गाइज, ये कुछ मुझे 450 का पड़ा था जब सेल लगी थी। मैं सारी चीज़ें मैंने सेल में खरीदी है। अब मैं सेकंड सजेस्ट करूँगी मेरा फेवरेट मैक, जो हर फाउंडेशन या अगर मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ तो मैं ये लगा के चली जाती हूँ, और लिटरली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इट्स एक्चुअली 2 इन 1, इट्स पाउडर फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट ऑल्सो। सो ये दो सजेस्ट करूँगी मैं आप लोगों को, ठीक है?
सो गाइज, अब बारी आती है फेस पैलेट्स की, जो हम ब्लशर और कॉन्टोर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो आप जानते हो मैं शुगर की कितनी बार आप लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा के आज मैं आप लोगों को मेबलिन भी बताना चाहूँगी कि अगर आप शुगर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ये भी पैलेट बहुत ही अच्छी है, बस इसमें एक ये दिक्कत है, इसमें कॉन्टोर शेड नहीं, हाईलाइटिंग शेड है और ब्लशर के तीन शेड है। तो बहुत ही अच्छी पैलेट है ये भी, अराउंड मुझे 500 के अंदर ही अंदर पड़ गई थी जब नायका पे सेल चली थी। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मैंने नायका से परचेस करे हुए हैं। गाइस, ये नायका जब पिंक फ्राइडे सेल चला था तो उसमें मैंने ये परचेस किया था, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, और जबकि एले कलर्स में इतना डिस्काउंट चलता है, लेकिन ये पैलेट के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सुनी हुई थी। मुझे 750 में मिला था, तो इसके जो शेड्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। इसमें एक हाईलाइटिंग शेड भी है और ये लाइट शेड भी आप लोगों को दिए हुए हैं, ये तीन लाइट शेड है और कॉन्टोर के ये सब शेड है। तो इसकी जो फॉर्मूला है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पे आप ये देखिए फॉर्मूला इसका बहुत ही ज़्यादा बटरी है, और मेरा नेल इसमें चला गया, सॉरी। और इसका हाइलाइटिंग शेड भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सटल है, इतना नहीं दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर शुगर के आपको सिंगल ख़रीदने तो भी आप ख़रीद सकते हो, ये मुझे 350 का अराउंड ही 10% डिस्काउंट पे मिला था। ये शैम्पेन पॉप है, शैम्पेन पॉप बोल रही हूँ, शैम्पेन शेड है इसका, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी अच्छा है, इसमें सारा कुछ सिंगल भी मिलता है, जैसे ब्लशर, कॉन्टोर और हाइलाइटर सब आपको अलग अलग मिलता है, तो आप ये भी ले सकते हो। सो गाइज, अब बारी आती है आई शेडो पैलेट्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते हैं कौन सा आई शेडो ख़रीदना है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कोई लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूँगी आप लोगों के लिए, लो सबसे कम बजट का शुरू करूँगी। ये तो वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है, सच में बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडोज़ है ये। लो ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है इसका, ये भी कलर बहुत अच्छा है। सो यू कैन गो फॉर दिस, ये शायद मैंने फ्लिपकार्ट पे अभी परचेज करा था जब बिग बिलियन डे सेल जो चलती है, उसमें मैंने 250 का ख़रीदा था। इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपीज़ है, ये 50% ऑफ में मिला है मुझे। तो ये बहुत ही अच्छी परचेज है, अगर आपका बजट नहीं है तो आप प्लीज़ इसको परचेज करके देखिए। सेकंड, मैं आपको ब्यूटी ग्लेस के पैलेट्स भी सजेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छे और पिगमेंटेड पैलेट्स हैं ये, और इसके जो बड़े बड़े पैलेट्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छे, मैं खुद ट्राई करना चाहूँगी उनको। मैं आप लोग को एक दो स्वॉच दिखा देती हूँ इसका, ये देख सकते हो आप, ये तीन शेड। सो ये भी बहुत अच्छा पैलेट है ब्यूटी ग्लेस का, ये मुझे 850 में मिला था, लेकिन अभी मैंने रिसेंट में कोई सी ऑनलाइन से ब्रांड से चेक कर रही थी मैं, तो मुझे वहाँ पे 350 या 500 के अंदर था। तो आप ले सकते हो बहुत ही अच्छे पैलेट्स। ये आती है मेरे फेवरेट और मोस्ट यूज्ड पैलेट, जो मैंने इसकी हालत भी बुरी कर दी है, हुदा ब्यूटी का पैलेट है ये। अराउंड मुझे जब मैंने दुबई से 2016 में परचेस किया था इसको, तो इसका प्राइस था 4775 रुपीज़, जो अब हो गया है मुझे नहीं पता कितने का। नायका पे मैंने बहुत दिन हो गया कुछ रिसर्च नहीं करी है। तो ये पैलेट है, और ये ओरिजिनल पैलेट है गाइज, ये फेक पैलेट नहीं है, मैंने खुद दुबई से लिया था ये पैलेट। तो ये मुझे अब शायद आपको 5000 की मिले ये वाली पैलेट, तो ये बहुत ही अच्छी और पिगमेंटेड पैलेट है। अगर आपका जो बजट आपको अलाउ करता है तो प्लीज़ गो फॉर दिस पैलेट गाइज। अब आई शेडो जब आप लगाते हो उसके बाद आपको आई लाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले मैं आपको इनसाइड का आई लाइनर बताऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव था, अराउंड ये 150 या 175 रुपीज़ का पड़ा था मुझे, और ये मैंने नायका से भी सेल में मंगवाया था। तो आप लिक्विड लाइनर्स के फ़ैन हैं तो आप कलर बार का ये वाला, ये फुल मैट है, बहुत ही अच्छा है, और ये अराउंड 700 के आसपास मुझे पड़ा था। आपको मैंने सेल में नहीं लिया था इसको, तो ये मुझे 700 या 750 का मिला था, तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके बजट है तो आप ये ले सकते हो। सो गाइस, अब बारी आती है मस्कारे की, तो यहाँ पे आपको पता है मैं हमेशा मेबलिन का ये टेम्पटेशन मस्कारा आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है, ये अराउंड 500 के अंदर ही है, ये मुझे जब ऑफर चल रही थी तो ये मुझे 350 का पड़ा था, और ये टोटल टेम्पटेशन मैंने अभी मंगवाया रिसेंटली, ये वाटरप्रूफ है और ये वॉशेबल है।
तो आप वाटरप्रूफ के लिए मत जाइएगा। अगर आप ब्राइड हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन मुझे वॉशेबल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अगर आप ले रहे हो तो वॉशेबल लीजिए, आसानी से निकल आता है, वरना ये बहुत आपके लैशेस को क्लम्सी कर देता है। और जो ये वॉल्यूम दे रहा है ये मुझे नहीं दे रहा है, सो आई सजेस्ट यू दिस। और मस्कारे के लिए तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, ये अच्छा है। तो गाइस अब बारी आती है कुछ काजल मैं आप लोगों को अपने कलेक्शन में से दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ब्लैक काजल दिखाना चाहूँगी जो कि लो बजट में है और मुझे तो फ्री मिला था, लेकिन ये अराउंड 150 या 200 का आराम से मिल जाएगा। तो ये मेबलिन का मेबलिन कलोसल काजल है, ये जेट ब्लैक है, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा है, आप ये ले सकते हो। सेकंड मैं आप लोगों को मेरा फेवरेट जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको फेसेस का करूँगी, जो कि है बहुत ही अच्छा। और ये है फेसेस का, ये वाला फेसेस का है, थोड़ी देर के बाद एकदम मैट हो जाता है ये, तो थोड़ा ब्लीड भी कर जाता है, मतलब ये थोड़ा वो होने लगता है, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा हमेशा इसको ही सिलेक्ट करती हूँ अपने काजल के लिए। मैंने बहुत सारे ब्रांड ट्राई किए हैं लेकिन इससे अच्छा ब्रांड कोई नहीं है। कलर पेंसिल्स बहुत इन है, मेरे पास तीन है, वो भी नायका की है तीनों। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका जो शेड है, मून चाइल्ड है 11, ये है सिल्वर, ये है। सेकंड आता है इसका ब्लू। आप नायका पे जाओगे ना तो सारी चीज़ें, वैसे अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे, मैं एक एक के नाम बता दूंगी, ठीक है। ये तीन पेंसिल है, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये सिल्वर, और ये दोनों ब्लैक। काजल के लिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। अगर आप थोड़ा नीचे जाना चाहते हो तो आप स्विस ब्यूटी एसेंस की ये सब आई पेंसिल्स ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग पेंसिल्स हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक्स की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लिपस्टिक्स होती है। अभी मैं आईब्राउज पे भी आऊँगी, पहले मैं आप लोगों को लिपस्टिक बता देती हूँ। रेंज वाइज और क्वालिटी वाइज जाना चाहते हो तो ये सेमी मैट है, मैट नहीं है फुल। तो ये नायका की अभी जो क्रीमी वाली लिपस्टिक्स आई है वो है, आप मेबलिन की भी जा सकते हो, ये भी रेड पे है, ये भी बहुत अच्छी है, ये देखिए ये रेड है, ये स्मोकिंग रेड इसका नाम है। सो ये ब्राइड्स के लिए भी बहुत अच्छी लिपस्टिक्स है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो मैं आप लोग को मेलन की ही सजेस्ट करूँगी, आप उसमें से कोई भी रेड या पिंक या ऐसा शेड ले लीजिए। अगर आप कॉलेज गोइंग या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप थोड़ा न्यूड में और पिंक टोन में मॉव कलर्स में आप ऐसे ले सकते हो। मेलन स्टार ओरिजिनल ब्लू, मेलन स्टार ओरिजिनल, ये वाकई बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स है, एकदम फुल कवरेज आपका लिपस्टिक्स है ये, आप देख सकते हो। इसका जो पिंक शेड है, इसका शेड है बोट आई। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बजट भी देखना है उसकी क्वालिटी भी देखनी है तो गो फॉर दिस मेलन शेड, मेलन की बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं ये। आपको आई थिंक सो फ्लिपकार्ट में आसानी से मिल जाए, एक बार ख़रीदी थी तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, अच्छा मिल जाता है, ऑफ़र में मिल जाती है। इसके सारे शेड अच्छे हैं गाइज, वाकई में इसके सारे शेड अच्छे हैं। वेट एंड वाइल्ड की भी बहुत ही अच्छी ये लिपस्टिक है, ये भी रेड में है, ये वाला रेड है इसका, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, एक्चुअली इसका थोड़ा टैग हट गया है पीछे से, सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है ये, वेट एंड वाइल्ड से है, वेट एंड वाइल्ड की कैट सूट लिपस्टिक, नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और मैं भी भूल गई हूँ। बजट में जाना चाहते हो इसमें तो यहाँ पे मैं नायका की मिनी सजेस्ट करूँगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज है और नेचुरली मैं इसके शेड ज़्यादा मैंने लिए नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो, ये वाला शेड बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है इसका, नायका का ये है 35M शेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें सारे शेड बहुत ही अच्छे हैं और ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू ये वाली नायका की, ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है। एक्चुअली लिपस्टिक के बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लैक्मे की 925 भी आपको सजेस्ट करूँगी, ये मुझे 250 रुपीज़ में मिली थी क्योंकि इसमें 50% ऑफ था। सो ये देखिए इसका ये शेड है, इसका नाम है रूबी रश। बातें आउटलाइंस में मैं ज़्यादा तो करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्राइड्स के लिए रखनी पड़ती है, तो ये मैंने हाफ़ एंड हाफ, मतलब हाफ एंड हाफ या हिलारी डोडा के आप कितने आप ले सकते हो। ये देखिए ये स्वॉच है इसका,
दो तीन कलर्स ले लो आपका हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 कलर्स है, ये अराउंड 40 or 50 रुपीज़ में आराम से आपको कोई भी लोकल शॉप में मिल जाती है। ये मेरे को शायद 30 रुपीज़ में सब मिली थी, हाफ एंड हाफ की भी है और मार्स की भी है, तो आप ये भी खरीद सकते हो। अब आते हैं मेकअप को सेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अब यूज़ करते हैं फिक्सिंग स्प्रे। तो ये मैं आपको, अगर आप बजट में जाना चाहते हो तो ये मुझे 475 का पड़ा था और ये है मेबलिन का फिक्सिंग स्प्रे, बहुत ही अच्छा है और रेंज वाइज जो उसकी प्राइस है तो वो बहुत ही अच्छा है। उसका जो ml है ये भी आपको अच्छा खासा, मतलब 60 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें और आपको 475 रुपीज़ में। मैंने इसको ऑफ़र में ख़रीदा था, अब कितने का है तो मुझे नहीं पता। और अगर आपका बजट है तो यू कैन गो फॉर मैक का आप प्लेन वाला लो तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा ग्लिटरी हो जाता है और थोड़ा शिमर पार्टिकल्स है इसमें। अगर आप इसका प्लेन वाला लोगे तो बेस्ट है, आप वही लो। और अगर आप ये लेना चाहते हो तो ये ले लीजिए, आप पे सारा कुछ ये आपको 1850 में आराम से मिल जाएगा, तो आप ये भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आई सजेस्ट यू गो फॉर दिस, अच्छा है। और मेकअप रेवोल्यूशन के फिक्सिंग स्प्रे भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे, आप वो भी ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छा है। स्पंजेस भी ख़रीद लीजिए आपको, मैं ये मिनीसो का ब्लेंडर है और ये कोई सा नायका से कोई ब्रांड है, ये तो मत लो, मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा स्टिफ है और ब्लेंडिंग के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपको ये मिनीसो का मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मिनीसो में एक ये है कि 2-3 महीने के बाद ये थोड़ा ऐसे ब्रेक होने लगता है, तो मुझे नहीं पसंद आता। लेकिन इसका जो सॉफ्टनेस है ना, ये मैंने अभी तक, एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर गो फॉर पैक। अगर आपका रेंज है 600 तक के, आपको 2 मिल जाएंगे आराम से, तो मैं पैक ही लूँगी अभी। मिनीसो के स्टोर्स बहुत सारी जगह खुल गए हैं, तो आपको आसानी से ये वाला ब्लेंडर मिल जाएगा। एक माइसिलर वाटर ज़रूर रखिए अपने किट में, ये गार्नियर का है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा है। तो लैशेस भी रख लीजिए, ये हिलारी रोडा की 100 रुपीज़ की लैश है, ये भी अच्छी है, मुझे 100 रुपीज़ में पड़ी इसकी, जो ये आप देख सकते हो ये फ्लटरी लैश है, ये वाकई बहुत अच्छी है। सीजर ज़रूर अपने किट में रखिए, थोड़े ईयरबड भी रखिए, आपको कुछ क्लीन करना हो, आपका जो लाइनर है गड़बड़ हो गई तो आप उसको क्लीन कर सकते हो, तो आप ये भी ईयरबड भी प्लीज़ आप ज़रूर रखिए। आईब्रो पेंसिल के लिए तो मैं आपको यहाँ पे ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है जो 85 रुपीज़ की है और बहुत ही अच्छी पेंसिल है ये। ये देखिए पिगमेंटेड पेंसिल है, ये बहुत ही अच्छी है, तो आप ये भी ख़रीद सकते हो। अगर आपको कलर बार थोड़ा हाई रेंज में जाना है तो आप कलर बार भी ख़रीद सकते हो, मेरे पास जगह ही नहीं है हाथ में। ये देखिए ये कलर बार की है, तो ये ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये कुछ मुझे 750 में पड़ी थी और ये सिर्फ 85 रुपीज़ में पड़ी थी, तो आप देख लीजिए आपको किस में जाना है। सो गाइज़, अगर आप लैशेस ख़रीद रहे हो, अगर आपके पास लैशेस है तो एक अच्छा सा ग्लू ख़रीद लीजिए। यहाँ पे मैं पैक का सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, क्योंकि आप आँखों के साथ अपना खिलवाड़ मत करिएगा। और ये अराउंड 350 में पड़ता है, लेकिन ये मुझे 1-1.5 साल आराम से चलता है। बस इसको आपको कैप इसको बंद करके रखनी है और ये कभी ड्राई नहीं होगा, ठीक है? तो आप इसको बंद करके रखो और एक अच्छा लैश ग्लू ज़रूर ज़रूर लो। ये 395 का आई थिंक सो पड़ता है, जब नायका पे सेल चलती है 10% की, तब मैं इसको ऑर्डर करती हूँ। तो गाइज़, यही था मेरा आज का ब्राइडल किट वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ये वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।